ऐसा मत करिए हनुमान, जल समाप्त होने से मेरा नागलोक भी संकट में पड़ जाएगा। राज धर्म के निर्वहन के लिए मुझे सीता का परित्याग करना ही होगा। आप उन भाभी माँ का परित्याग करना चाहते हैं जिन्होंने महलों का सुख छोड़ आपके साथ 14 वर्ष वनवास के कंटक भरे मार्ग पर चलना स्वीकार किया? अपना निर्णय वापस ले लीजिए भैया। जिन भाभी माँ ने अग्नि में प्रवेश कर अपने चरित्रवान होने का प्रमाण दिया था उनके चरित्र पर संदेह करना अन्याय है, अन्याय है भैया। जिन भाभी माँ के जन्म लेते ही बंजर भूमि उर्वरा बन गई, जिन माता के नाम के स्मरण मात्र से ही लोगों के पाप धुल जाते हैं, उन पवित्र देवी माता का कैसे परित्याग कर सकते हैं आप? राज धर्म और कर्तव्य की बेड़ियों में बंधा हुआ मैं सीता का परित्याग करने को विवश हूं भ्राता हूं। लक्ष्मण, मैं तुम्हारी भावना समझता हूं, किंतु यदि मैं तुम्हारे स्थान पर गया तो सीता का भोला और निष्पाप मुखड़ा देखकर मैं दुर्बल पड़ जाऊंगा और अपने निर्णय से डिग जाऊंगा। जाओ लक्ष्मण, प्रातः वन जाने की व्यवस्था आरंभ करो। कैसा दुर्भाग्य है ये लक्ष्मण का, पहले भाभी माँ के कहने पर अग्नि परीक्षा के लिए चिता की व्यवस्था की और अब भैया राम के कहने पर भाभी माँ को वन में अकेले छोड़कर आना है। नियति है ये लक्ष्मण, होनी को कोई नहीं टाल सकता, मैं भी विवश हूं। पीर हृदय की किसको सुनाए आज व्यथित रघुराई। धर्म का पालन करने में अनेकों कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना करना ही पड़ता है। जो इन कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना करते हुए अपने पथ पर अग्रसर होता है वही मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है, वही राम राज्य की स्थापना करता है। आशा है हनुमान भी अपने प्रभु श्री राम की विवशता को समझकर उनकी मर्यादा को कलंकित नहीं होने देंगे। हनुमान जी, आपने ही कहा था कि आप जल के किसी भी जीव को कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे, किंतु आपके इस कृत्य से संपूर्ण जल का जीवन ही संकट में घिर गया है। राम राज्य तो जीव हिंसा का विरोधी है, किंतु आपके इस कृत्य से सहस्त्रों जीव असमय ही काल कलवित हो जाएंगे। कल्पना कीजिए हनुमान, प्रभु श्री राम जब ये सुनेंगे कि उनके भक्त हनुमान ने ऐसा किया है तो उन्हें कितना दुख होगा। रक्त राम, क्षमा करें समुद्र देव, किसी जीव को हानि पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था, अपितु दुष्ट रक्त रोम को जल से बाहर निकालने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। भागने का प्रयास कर रहे हो? Yeah!
क्या हुआ? अब तुम बचकर नहीं भाग सकते रक्तरोम। जय श्री राम। कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो तुम हनुमान, किंतु रक्त रोम का कोई भी अहित नहीं कर पाओगे तुम। सखा, मूर्ख वानर, अन्य राक्षसों की तरह नहीं हूं मैं, रक्त रोम हूं मैं, अमर हूं मैं। चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, किंतु इस बार विजय अधर्म की होगी। ये रक्त रोम सबको करेगा हो। हर अधर्मी को यही भ्रम रहता है रक्त रोम, अपने बल और अपनी मायावी शक्तियों के मद में वो इतना चूर हो जाता है कि उसे ये ज्ञात ही नहीं हो पाता कि कब उसे पतन के अंधकार ने घेर लिया है। छोड़ दे मुझे वानर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, रक्त रोम हूं मैं। लो, छोड़ दिया सखा। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई, कैसे ज्योति को दे नयन स्वयं ही विदाई। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। सारे सुखों से संबंधों से धर्म पड़ा है माना, नृप के लिए भी सर्वोपरि है राज धर्म अपनाना। किंतु हृदय के इस बंधन को कैसे भला बिसराई, किसको सुनाए आज व्यथित रघुराई। Woo!
माँ, मुझे मातृत्व का सुख प्राप्त होगा और रघुनंदन को पिता का, खिल उठेगा मन का उपवन, चहक उठेगा घर आंगन, स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा ये भवन। माँ, कैसा अद्भुत होगा वो क्षण। पुष्प मेरे रघुनंदन, मेरे प्रियतम, अपनी प्रिय के मन की बात समझ गया। स्वामी, आपको चित्रकूट के समीप का वन स्मरण है? मुझे वहां जाकर निर्मल पावन गंगा जल का पान करने की अत्यंत उत्कंठ इच्छा है मेरी। आपकी किसी भी इच्छा को मैं कैसे मना कर सकता हूँ वैदेही? आपकी इच्छा यदि वहां जाने की है तो आप वहां अवश्य जाएंगे, मैं शीघ्र ही व्यवस्था करूंगा। ये पुष्प संकेत है कि रघुनंदन ने मुझे जो वन में ले जाने का वचन दिया था वो शीघ्र ही पूर्ण करने वाले हैं। प्रत्येक पत्नी का धर्म होता है स्वामी, अपने स्वामी के वंश का विस्तार करना। मैं भी आपके वंश का विस्तार करना चाहती हूँ। मेरे प्रियतम, कदाचित आपको ज्ञात ही नहीं है कि हमारे जीवन में संसार का सबसे बड़ा सुख आने वाला है ये दो कलियां। आपको मेरी मन की बात समझा देंगी, आप जान जाएंगे कि आपकी सीता आपसे क्या कहना चाहती है। किंतु पुत्र हनुमान इस प्रसन्नता की घड़ी में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रतीत होता है वो अवश्य ही मेरे वन विहार जाने की तैयारियां में लगे होंगे। हनुमान जी, आपने जो उपकार किया है मुझ पर और मेरे पूरे नागलोक पर, मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। मैंने तो वही किया जो प्रभु श्री राम करते। उनके राम राज में कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक विवाह नहीं कर सकता। माता, अब मुझे प्रस्थान करना होगा, कदाचित मेरे प्रभु किसी बड़ी दुविधा में हैं। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मुझे इस समय अयोध्या में होना चाहिए था। ना जाने क्या होगा जब अपनी माता सीता के दुलारे हनुमान अयोध्या पहुंचेंगे। मैं क्या बोलूं भाभी माँ को कि राम भैया ने आपका परित्याग, कैसे कहूं कि राम भैया ने आपको वन में छोड़ने का आदेश दिया है। नियति है ये लक्ष्मण, होनी को कोई नहीं टाल सकता, मैं भी विवश हूँ। भाभी माँ। हाँ लक्ष्मण भैया, कहिए। भाभी माँ, वो राम भैया ने मुझे आपको वन में ले जाने के लिए कहा है ना। हाँ भाभी माँ, अर्थात भाभी माँ को भी ये ज्ञात है कि राम भैया ने उनका परित्याग। मुझे ज्ञात है, मेरे प्रभु मेरी वन विहार की इच्छा विलंब पूरा करेंगे। अर्थात भाभी माँ ये समझ रही हैं कि उन्हें वन विहार पर जाना है, जबकि किंतु मैं कैसे उन्हें सत्य से अवगत करवाऊँ। प्रतीक्षा कीजिए आप, मैं अभी आई। उचित है भाभी माँ। आज मेरा मन इतना अधिक विचलित क्यों हो रहा है? कहीं प्रभु श्री राम या माता सीता? नहीं नहीं,
आशा है कि दोनों सकुशल होंगे। ये क्या भाभी माँ, राजसी वस्त्र आभूषण के स्थान पर ये साधारण वेशभूषा? हाँ लक्ष्मण भैया, जैसा देश वैसा भेष। मैं और आपके राम भैया किसी राजा या महाराजा से मिलने तो नहीं जा रहे हैं, हम तो वहाँ वन में ऋषि मुनियों के, उनकी पत्नियों के आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। आप देख लेना, आपके राम भैया भी ऐसी ही वेशभूषा धारण करके जाएंगे साथ में। क्षमा करे भाभी माँ, राम भैया सूर्यवंश के पूर्वजों वाले कक्ष में हैं। उन्होंने वहां किसी को भी आने से मना किया है। हो सकता है स्वामी बाद में वन में आकर मुझे आश्चर्य में डालने को सोच रहे हो। भाभी माँ, प्रस्थान का मुहूर्त हो गया है, चले हम। किंतु स्वामी से आशीर्वाद लिए बिना मैं कैसे कहीं जा सकती हूँ? मैं पूर्वजों वाले कक्ष से होकर आती हूँ। किंतु भाभी माँ, द्वार तो बंद है, क्या करूं? भाभी माँ, भैया राम ने किसी को भी अपने कार्य में बाधा डालने से मना किया है। कैसे रोकूं भाभी माँ को? किंतु यदि राम भैया भाभी माँ का श्रीमुख देख लेंगे तो वो स्वयं ही भाभी माँ का परित्याग करने का विचार छोड़ देंगे। स्वामी, मुझे ज्ञात नहीं है आपके मन में क्या चल रहा है, किंतु जब आप इन सुंदर कलियों को देखेंगे तो आप अवश्य ही जान जाएंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। भाभी माँ, कहीं यात्रा का मुहूर्त ना निकल जाए। उचित है, चलिए लक्ष्मण भैया। व्रत का जीवन भर सीता करती आई पालन, आगामी कष्टों से निश्चिंत पावनता से पावन। किंतु परे अब राम से होगी राम की ही परछाई, किसको सुनाए आज व्यथित रघुराई, कैसे ज्योति को दे बोला नयन स्वयं ही दिदाई, वीर हृदय की किसको सुनाए आज व्यथित रघुराई। विलंब हो गया है,
मुझे तत्काल उनके समक्ष पहुंचना होगा। बड़ा उत्तरदायित्व व्यक्ति को निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर कठोर निर्णय लेने पर बाध्य करता है।